नमस्कार आमर ओडिशा को स्वागत करूछि मु तपस्विनी आसीबा संपूर्ण खबर को कटक रे पुणी एनकाउंटर क्रमागत एनकाउंटर करिछि कमिश्नरेट पुलिस गुरुवार दुई जण को एनकाउंटर करितबा बळे शुक्रवार पुलिस गुळी रे शिकार होइछंती दुर्धांत अपराधी टुटुनी टुटुनी रो डाहाण गोड रे गुळी बाजिछि गुरुतर टुटुनी को एसीबी बड मेडिकल ले भर्ती करा जायछि बिरूपा बैरेज निकट रे एही एनकाउंटर होइछि टुटुनी थारु बंदूक दुईटी गुळी ओ बाइक जबत करिछि पुलिस टुटुनी ना रे विभिन्न थाना रे सातटी मामला रहिछि मार्च 29 रे गुलीमाड़ मामलें टुटुनी संप्रक्ति थिला गुरुवार टीटो ग्यांगर दुर्धांत अपराधी अलेख राउतराय एवं काला बाबू को एनकाउंटर करिथिला पुलिस कृष्णसार मृग शिकार मामलें सलमान को जमीन आवेदन आज राय शुणाइबे जोधपुर सेशंस कोर्ट गतकाली कोर्ट राय संरक्षित रखी आज दिन 10:00 कोर्ट राय शुणाइबे बोली जमापड़ गुरुवार कृष्णसार मृग शिकार मामलें सलमान को 5 वर्ष जेल दंडादेश और 10,000 टंका जरिमाना लगे जोधपुर कोर्ट यापर जोधपुर सेन्ट्राल जेल को निया सलमान को छड़ा यह मामलें अन्य 5 जन अभियुक्त सैफ अली खान तब्बू सोनाली वेन्द्रे और नीलम को दोषमुक्त करते कोर्ट महिला हत्या अभियोग रे 5 गिरफ 5 अभियुक्त को गिरफ कर नुआपड़ा सीनापाली पुलिस मामलें अन्य 5 अभियुक्त एवं भी फेरार अच्छा गत 3 तारीख में लवणी राउत नामक जड़े महिला ठेंगे पिटीपिटी हत्या करते दुर्वृत्त लवणी घर छत्तीसगढ़ देवक धरुआपड़ा होता बेले से भणजा बहुत उत्सव में जोगदे बचरापड़ा आसी सामान्य कलह को नहीं भाई संपर्क मैंने माड़ मारी भाई को बचाई जावाबे लवणी मुंडे आघात लगे घटनास्थल मृत्यु घटी एने सीनापाली थाना 10 जन ना रुजु होता मामला राउरकेला माछो मार्केट रे निया डेली मार्केट निकटस्थ माछो मार्केट रे अग्निकाण्ड घटी विशेष क्षयक्षति होना अग्निशम बाहिनी ठीक समय पहुंचा जो बड़ धरणर क्षयक्षति बर्ती जा मार्केट सर्ट सर्किट जो निया लगे सन्देह घटनार तदंत आरंभ कर अग्निशम विभाग एमसीएल रो खामखियाली नीति जो झारसुगुड़ा रे संगीन स्थिति निया लागिबारु झारसुगुड़ा अंचल रे तापमात्रा बहुल मात्रा रे वृद्धि पाई तासांग को प्रदूषण जो असह्य हेउछि परिस्थिति एमसीएल पक्षरु प्रदूषण नियमर ठीक भावे पालन करा केवल चिठी लिखि चुप बसी राज्य प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड घटना को अति हालुका भावे नेइछंती एमसीएल कर्तृपक्ष देखिबा न्यूज 18 ओडियार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जलुची कोयला बढ़ुची तापमात्रा ता संग को प्रदूषण रे प्राण अथय ये हूँ झारसुगुड़ा रे थिबा एमसीएल कोयला खनिर दृश्य खोला मुह कोयला खनि स्टॉकयार्ड और रेलवे साइडिंग रे जलुची कोयला जेउठु बाहरुथिबा धुआं स्थानीय परिवेश को प्रदूषित करुछि ता संग को बढ़ुची तापमात्रा कोयला रे निया लागिबा जोंगु एठारे खरा दिने सबुबेले तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहुछि पानी सिंचन कराजिबार नियम थिले मध्य एमसीएल पक्षरु सेभली करा जाउ नाही जेउति पई ए अंचल रे रहिबा कष्टकर होइ पडिथिबा कहिछन्ति स्थानीय बासिंदा अंचल लोग अंचलवासी इथि लागि बेसी करी पोल्यूशन बेसी होजे अपर हमर जेन टेम्परेचर जेन बढुछे इधर हमें ये अंचल बेसी टिके असुविधार सम्मुखीन होउछ तार द्वारा ये अंचल रे भी गुटे विराट बड मिथेन गैस जेना कोइला धुआ रे एक गुटे मिथेन गैस भी सृष्टि करछ जेना कि जनजीवन प्रति हानि भी होउछ इथि लागि हमर दाबी है केंद्र सरकार इथि लागि ठोस कदम नोन आउ मु तो कहउछ गुटे टास्क फोर्स रेडी करि गिरि जेन जेन न अछे ताके न्याय लिभाबार लागि चेष्टा करू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रो नियम पालन रे खिलाफ करूछ एमसीएल खाली सेति कि नुहे कोइला खनि रे निया लागि कोटि कोटि टंकार जातीय संपत्ति नष्ट हेबा सह राजस्व हराउछंति सरकार हेले एबे सुधा कोनोसी आखि दृश्या पदक्षेप निया जाउ नाही केवल गोटिए चिठी लेखि चुप बसिछि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेपटे घटना को खूब हल्का भावे नेछंति एमसीएल कर्तृपक्ष हेले एबे गोटे चिठी लेखिछु स्ट्रांग चिठीटे लेखिछु तांका समस्त सेमानकर कंप्लेंस को आमे अपेक्षा करिछु आसला परे देन फर्दर आमे कोन आउ पुनी विजिट करी देखिबु जे कोन एक्चुअली तांकर एक्शन नै छेंती
कंप्लेन्स कौन करूँ तेणु फर्दर एक्शन नबु स्प्रिंकलिंग का पूरा व्यवस्था है हमारे पास जो है पोर्टेबल जो ये है हमारे पास जो टैंकर 28 केएल के 28,000 लीटर उसमें पानी आता है इस तरह के हमारे पास 6 बड़े टैंकर हैं जिनसे हम पानी लाते हैं और चूंकि कोयला जो है एक सेल्फ हीटिंग मटेरियल है तो वो गर्म होने से या ठंडा भी रहता है तो थोड़ा सा अगर जब वो रहता है एक्सपोज तो कहीं पे हीटिंग हो जाता है जिसे हम टाइम टू टाइम अपने मशीनों के द्वारा हम उसे बुझाते हैं और उसमें पानी का प्रयोग भी प्रयोग करते हैं। अबे देखा जाओ एनसीएल कर्तृपक्ष उक्त कोयला यार्ड रे निया केबे लिभाउछन्ते झारसुगुड़ा जिला बीओसएम रेलवे साइडिंग रु सुरेंद्र बारिक न्यूज 18 जत्न भंडार खोलिबाकु नै विवाद थमुनी मुख्य प्रशासक और जिलापालक स्पष्टीकरण पर विवाद थमिनी बर आहरी बढ़ी श्रीमंदिर परिचालना कमिटर पूर्वतन सदस्य कहते 1905 मसीह पर भंडार चाबी जिला ट्रेजेरी को आसीना प्रशासन पाखे अच्छी केमी जांच कमिटी चाबी जापारे ना से प्रश्न करोधी विजेपी और कंग्रेस कहते रत्न भंडार खोलने राज्य सरकार पूरापूरी अप्रस्तुत थे अजणा भयर तरबरिया भाव फेरी आस कमिटी ए सब अभियोग और आशंका को खंडन करिसेंति राजस्व मंत्री आउ ट्रेजरी रे केबे चाबी जमा हेन थिला आमे वी हैव वेरीफाइड किंतु श्री मंदिर रा तांकर जो अलमीरा रो जो तांकर जो शेफ चेस्ट अछि सेतरो जो चाबी बाहर थिला से चाबी को आमे नेकी जाइथिलु किंतु से सिंस आमर ताला माने सब सील थिला बाहर आमर सब देखा जाउथिला सेति आउ चाबी खोलिबार मध्ये मते आमको आवश्यकता पड़ नथिला जिलापालंक मंतव्य रत्नभंडार विवाद को आहुरी तेजी पांच पेंथा चाबीरु केउटा भितर भंडारर ता स्पष्ट होइ नथिला तेबे प्रशासन रे मंतव्यर पूरा विपरीत कथा कहिसेंति श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर पूर्वतन सदस्य भगवान सुपकार से कहिसेंति रत्नभंडार खोलिबा निष्पत्ति दिनठारु प्रशासन चाबी खोजिबा कथा चाबी अछि ना हजि जाइछि ता रहस्य घेरे भयरे समस्ते बाहर भंडारर पळै आछन्ति दोष लुचाई मूल बदलाउछन्ति वरिष्ठ सेवायत काशीनाथ खुंटिया कहिसेंति जेतेबेले आमर खुला हबो बोली एटा बाहर प्रचार करागला बहु लोक जानिले जे रत्नभंडार खुला जीव किंतु वर्तमान इने किए कहते चाबी नहीं बोली किंतु जदि चाबी नथिला ताले खोलिबार आवश्यकता नथिला रत्नभंडार खोला गलानी ये केवल समस्त ओडिशार जगन्नाथ प्रेमिकी भूतिवापी ए प्रशासक एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन एटा गोटे तार कार्यकलाप रत्नभंडार मामलें राज्य सरकार को घेरी विरोधी बीजेपी और कांग्रेस पूर्वतन आईन मंत्री तथा बीजेपी नेता विश्वभूषण कहते रत्नभंडार खोलिया पूरापूरी अप्रस्तुत थे राज्य सरकार एवं बाहाना करु जहाँ भी हो रत्नभंडार खोली संपत्तिर आकलन आउ भीतर भंडारर मरामति होगा दरकार कांग्रेस सामान स्वर से कथा कही तेब समस्त अभियोग को खंडन कर स्थानीय विधायक तथा राजस्व मंत्री महेश्वर महांति सेपटे भीएचपी कही रत्नभंडार आद खोल कथा नुहे जदि सेमिति हुए तेरे अदालतर आश्रय रत्नभंडार कौन कौन अच्छी तार इनभेटरी हम नभु जगन्नाथ के संपत्ति किए जानव जानवर आवश्यकता रही कारण प्रभु जगन्नाथ संपत्ति ओडिशार संपत्ति ये कौन दि घंटा जाए से भितर कौन डर मारा कि कौन है कि चाप पड़ा कि बुझिपी कौन गोटे गवर्नमेंट मस्ट बी डिसाइसिव इतिहास अच्छी आम हिंदू धर्म इतिहास अच्छे आमर मंदिर अच्छे से साप देखु चलती साप अच्छा से मैंने क्षति करती से विश्वास रख साप किसी कर पश भय करनी आवश्यक हम दयाकर आम बिवाद सृष्टि कर जो मैंने बिवाद सृष्टि करते अनुरोध अजथार या कौन बिवाद सृष्टि ना रहस्य रहा उचित समस्त भाव को आम चिंता करने दरकार उच्चतम न्यायालय आम पिटिशन करने भीएचपी तरफ बर्तमान चिंता करुचु बिवाद थमुनी दिनक दिन बढ़ुची एक स्थित पुणी रत्नभंडार जांच प्रस्तुत हो श्रीमंदिर प्रशासन मरामती पाई तैयारी करुछि मास्टर प्लान पुरी रो अक्षय मिश्र भुवनेश्वर रो सुमन सुंदराय और दुर्गा प्रसाद सोलंगी न्यूज 18 ओडिया।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ଦେବୁ ବସ୍ ଅସୁସ୍ଥ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍କିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଘରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ହୃଦ୍ଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଷ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ, କୋଟିଆ ପରେ କୁଲାଡ଼ି, ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ଅନୁକମ୍ପା। କୋଟିଆ ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଲାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ନିଜ ଆଡୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସହାୟତା ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ଆପେ ଦେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣାଇଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା। ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଜୁଳି, ଆନ୍ଧ୍ରର ପାଣି, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ବି ଦେଉଛି ଚାଉଳ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଲାଡ଼ି ଗାଁରେ କିଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଗାଁକୁ ଲମ୍ବିଛି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଘରେ ଘରେ ବିଜୁଳି, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାସିକ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଯାଚିତ ସହାୟତା ପାଇ 40 ପରିବାରର 300 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ହସ। 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ର ଟିକେ ବଗା କରିକି ସବୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦେଇଛି ଯେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଯୋଗାଇ ସୁବିଧା ଦେଇଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଏବକୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତଲପରୁ। ଆଉ ମାସକୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଲପରୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚାଉଳ 35 କିଲୋ ମିଳୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୁଲାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ଉଦାସୀନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଓ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ କୁଲାଡ଼ି ଗାଁକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ବସିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସବୁ ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ, ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି ମଶାରି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସବୁ ଘରକୁ ନମ୍ବରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଠାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମର ଗାଁର ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା, ଯେହେତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଉ ବିଜୁଳି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏଇସବୁ ଆଉ ଜଣାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ହଉ କି ଯାହା ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ଲେଡ୍ ବାଇ ବିଡିଓ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ଆନ୍ୟୁମରେଟ୍, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କଭରେଜ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ, ବଟ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍, ବଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସିଓର କି ଆମର ଯାହା ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ୱି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍। ଏଇଟା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଗାଁ ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ଗଦା ଗଦା ଅନୁକମ୍ପା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉନା କାହିଁକି କୁଲାଡ଼ି ଗାଁକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୁଲାଡ଼ି ଗାଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶା ହାତରୁ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁଲାଡ଼ି ଗାଁରୁ କୈଳାସ ବେହେରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କୁଟିଆ ଗ୍ରାମ ପୁଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୁପାରିଶକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କୁଟିଆ ଗ୍ରାମ ପୁଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କୁଟିଆରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ 85 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 7ଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ କୁଟିଆ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିକାଶ
ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କୋଟିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାମ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ କେଉଁ ବିଭାଗ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଣି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ କରିବୁ, ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ।